आज हम ट्राई करने आए थे यहाँ पे लंबू बर्गर। इस पे इट्स सुपर मैसिव, मतलब 3 टिक्कियाँ, और उसके ऊपर दे एड इन सम फ्राइज, पोटैटो वेजीज, आई थिंक दिस इज क्या कहते हैं 1000 आइलैंड सॉस, और फिर बारबेक्यू सॉस, फिर हर लेयर पे बहुत सारे फ्राइज एंड पोटैटो वेजीज। बाय द वे, डू यू गाइस लाइक फ्राइज या पोटैटो वेजीज? आई लव फ्राइज एंड आई कैन नॉट डोंट लाइक पोटैटो वेजीज एट ऑल। ठीक है, एनी वेज, इनके ना बहुत सारे लेयर्स से स्टैक करा और बहुत सारे स्टिक्स डाले थे इसके अंदर ताकि ये सीधा खड़ा रहे। ओके, इस बर्गर का प्राइस वॉज 4.99, आई थिंक सो। हाँ, ऑल्सो रिसेंटली क्या आप लोगों ने यूट्यूब पे ऐसे मक्खन समोसा का वीडियो देखा है? मतलब इट वॉज लाइक जैसे सफ़ेद मक्खन था और उसको आइस के ऊपर शेप दे रहे थे और उसके अंदर आलू डाल के उसको आइस वाटर में डाल दे रहे थे। एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई हैव नेवर सीन द आउटर लेयर ऑफ अ समोसा बी जस्ट बटर। मुझे कॉमेंट करके बताओ, हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस? एंड यू नो वॉट, देर इज दिस प्लेस कॉल्ड ट्रफल्स इन बैंगलोर, और वहाँ पर ना अलग अलग साइज़ के बर्गर मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। तो उनके साइज़ के बेसिस पे ना उनका बन का साइज़ भी बड़ा होता रहता है। तो मतलब मीडियम कंपेयर करो और लार्ज कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट डबल साइज़ के होता है। ठीक है, तो एक बार मैंने उनका तंदूरी चिकन बर्गर ऑर्डर करा था, वो भी एक्सेल साइज में, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग द बिगर बन दे पुट 2 पीसेस ऑफ तंदूरी चिकन इनसाइड द बर्गर, एंड बर्गर बन सेम साइज का। एंड आई वाज जस्ट लाइक, यार ये तो धोखा है मेरे साथ। फिर मैंने जोमेटो को कंप्लेन करा एंड दे गेव मी माय मनी बैक, वो तो ठीक है, बट आई गॉट एक्स्ट्रा चिकन फॉर द प्राइस ऑफ 1 पीस ऑफ चिकन, सो एडवांटेज मेरा ही हुआ। एनीवेज, तो ये तो था लंबू बर्गर। फिर उसके पीछे है भूचाल बर्गर, आई थिंक, हाँ इट वॉज़ भोकाल बर्गर, सॉरी। सो द भोकाल बर्गर का प्राइस वॉज 2.99 और इस बड़े वाला लंबू बर्गर का प्राइस वॉज 4.99। सबसे छोटे बर्गर से मीडियम बर्गर और फिर सबसे बड़ा बर्गर, एंड इनके मेन्यू में लिखा है दिस इज़ द टॉलेस्ट बर्गर इन इंडिया, तो आई एम नॉट श्योर बट देयर क्लेमिंग सो। ओके, सबसे पहले ये वाला ट्राई करते हैं, चलो। तो दिस इज़ द स्पाइसी वाला बर्गर जो 2.99 रुपीज़ का था। मतलब इस पर फ्राइज़ हैं, फिर चीज़ और आई थिंक पिज्ज़ा पास्ता सॉस है, और इसको बेक कर दिया गया है, एंड पिज़्ज़ा का बन भी उल्टा है, उसके ऊपर भी चीज़ लगी हुई है। और मैंने इस बर्गर को टेस्ट करा ना, तो आई थिंक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसके अंदर जो सॉस थी दैट वाज वेरी स्पाइसी। तो वो ज़रूर ट्राई करना आप लोग। इज देयर एनी वे टू ईट दिस बर्गर? लेट्स ट्राई एंड सी हम कर पाते कि नहीं। वेरी मेस्टी। सो दे हैव दिस चीज सॉस ऑल्सो जो फ्राइज के साथ खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मस्त है, वेरी डिफिकल्ट टू ईट, बट यार बड़ी चीज़ें ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इफ़ यू लाइक ऐसा बड़े टावर चीज़ें खाना, तो यू शुड डेफिनेटली कम हियर। तो दिस इज़ अ रेस्टोरेंट इन कोरामंगला ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मतलब बेसिकली लाइक अ रूफ टॉप कॉल्ड एज फूड अड्डा। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम मुंबई। हाँ, एंड इनका एम्बियंस इतना ज़्यादा सुंदर है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग शाम को आओ, क्योंकि नहीं तो गर्मी लगेगी। बट या